नमस्कार। राजनीति में कुछ लोग भाग्य से आते हैं, कुछ धर्म के भरोसे आते हैं, तो कुछ परिवार के भरोसे आते हैं और कुछ किस्मत के भरोसे राजनीति में आते हैं। लेकिन उसके बाद उनको राजनीति कैसे करना चाहिए, लोगों के बीच कैसे काम करना चाहिए, क्या तरीका हो सकता है कि समाज की सेवा राजनीतिक तौर पर या सांसद विधायक बनकर जनप्रतिनिधि बनकर की जा सकती है, इस सब तौर तरीके सिखाने के लिए हिंदुस्तान में पहले कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन विश्व में एक ऐसा संस्थान हिंदुस्तान में बना जो आज सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। उस संस्थान का नाम है रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी। इस संस्थान में समय समय पर बताया जाता है कि किस तरह से जो है पॉलिटिक्स करना चाहिए, उसका क्या तरीका है, लोगों से कैसे बात करना चाहिए, काम के तक कराने के तरीके क्या हैं, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सब मुद्दों पर समय समय पर अलग अलग कार्यशाला अलग अलग विद्वानों से चर्चा होती है। और इन सब मुद्दों को लेकर हम आज इस संस्थान के एग्जीक्यूटिव हेड रवि पोखराना साहब से बात कर रहे हैं। नमस्कार, आपका nuvasan.com में स्वागत है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस संस्थान की स्थापना कब हुई और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सन 1982 में रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी की स्थापना हुई। मूल विचार तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि राजनीति में अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो राजनीति में जो लोग आएंगे या जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाएंगे उन्हें सिर्फ लोकप्रिय होना जरूरी नहीं है, उन्हें उनकी क्षमता संवर्धन के बारे में भी किसी ने सोचना चाहिए, उन्हें वो डिलीवर कर पाए, उनकी गवर्नेंस में रुचि हो या रुचि जागृत हो, ऐसा भी किसी ने सोचना चाहिए। तो उस समय उन्होंने कल्पना की थी कि एक ऐसी संस्थान का निर्माण होना चाहिए जो हर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए अच्छे कार्यकर्ता तैयार करे और जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट का काम करे, उनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करे। दुर्भाग्यपूर्वक उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। उसके बाद एक सांसद जिनका नाम है राम महलगी, जो ठाणे से सांसद थे, उन्होंने निश्चय किया कि मैं 60 की उम्र में अपना रिटायरमेंट राजनीति से संन्यास ले लूंगा और दीनदयाल जी की इस कल्पना को मैं जमीन पर उतारूंगा। अकस्मात कैंसर से उनकी भी मृत्यु हुई। उसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर, समाज के ही कुछ लोगों ने मिलकर उन्हीं की मेमोरी में रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी इस नाम से एक मेमोरियल स्थापित किया, जिसका उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य था राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ताओं और चुने हुए प्रतिनिधियों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करना। तो गत 37 सालों से प्रबोधिनी निरंतर ये काम करती आ रही है। शुरुआत में तो मुंबई में चंचल स्मृति नामक 1500-1600 एकड़ के एक छोटे से कमरे से हमने शुरुआत की, जहाँ पे दिन में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता था और रात में वही कुर्सी टेबल साइड में मेज करके और वहीं सो जाया करते थे। अब सन 2000 में प्रबोधिनी ने मुंबई के पास भाईंदर में एक 15 एकड़ का सुंदर सा कैंपस बनाया है जो एक विश्व स्तरीय ट्रेनिंग कैंपस है, जहाँ पे सारी ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि उसके उस समय प्रधानमंत्री थे, और लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, दोनों की उपस्थिति में उन्होंने प्रबोधिनी को जनता को लोकार्पण किया। और उस समय उन्होंने कहा था कि पूरे साउथ एशिया में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, और शायद वो बात सच थी, क्योंकि सन 2006 में यूनाइटेड नेशंस के इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ने प्रबोधिनी को एनजीओ विद स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस, इस तरह का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया, और वो सम्मान 2006 से आज भी प्रबोधिनी उसे मेंटेन किया हुआ है। तो ये एक प्रबोधिनी की एक छोटी सी यात्रा मैंने आपके साथ शेयर की, और दिन प्रतिदिन में इस यात्रा में नए मुकाम आते जा रहे हैं, सांसदों की, विधायकों की, सांसदों और विधायकों के पीए की, इस तरीके की शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की ट्रेनिंग, 3-3, 4-4 दिन की ट्रेनिंग्स प्रबोधिनी में लगातार चलती रहती है। रवि जी, ये बताइए कि 1500-1600 स्क्वायर फीट के छोटी सी जगह पर मुंबई में जब ये संस्थान शुरू हुआ, तब क्या किसी ने इतनी बड़ी कल्पना की थी कि एक इतना बड़ा संस्थान आकार लेगा और वहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग इस तरह की ट्रेनिंग लेंगे? आपने बड़ा बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमेशा से माना जाता है कि नेता या राजनीतिक नेता जो होते हैं उन्हें तो ट्रेनिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लीडरशिप, लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स। बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि लीडर्स तो बॉर्न लीडर्स होते हैं, उनमें प्रशिक्षण का कहाँ सवाल आता है। तो ये एक जो सोच है, एक मानसिकता है कि लीडरशिप, लीडर्स को पढ़ने की, सीखने की जरूरत नहीं है, जबकि हम कॉरपोरेट जगत में देखेंगे तो वहां मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए देश ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs बनाया, ताकि हम कॉरपोरेट जगत में लीडर्स खड़े कर पाए।
तकनीकी क्षेत्र में आप देखेंगे हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़े किए ताकि हम तकनीकी क्षेत्र में लीडर्स बना पाए, लेकिन राजनीति में लीडर्स बनाने के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं आया। इसीलिए प्रबोधनी ने भी एक पहल लेते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप की स्थापना की ताकि आईआईटी और आईएम की तर्ज पर इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जा सके। और जैसा कि आपने कहा, इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस प्रबोधनी ने देखे हैं, जगह कम होना और इतना इसका स्वरूप निखरेगा और लोगों में प्रशिक्षण का एक बोध उत्पन्न होना और प्रशिक्षण के बारे में एक जागरूकता उत्पन्न होना जो कि धीरे धीरे अब हो रही है। और आप देखेंगे कि अब युवाओं में इसको लेकर बहुत जागरूकता बढ़ी है, युवाओं की रुचि है राजनीति में और युवा राजनीति में ऐसे ही नहीं कूदना चाहते, वो पहले उसे समझना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह का एक कोर्स हो, एक स्ट्रक्चर्ड पद्धति का कोर्स हो जिसको समझने के बाद वो तय करें कि वो राजनीति में क्या स्थान चाहते हैं। तो अब धीरे धीरे इसकी रुचि और बढ़ रही है। इस संस्थान के बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है, ऐसा मैं भी नहीं मानता लेकिन जो राजनीति में सुना जाता है, कि ये जो संस्थान की जो विचारधारा है वो भाजपा और संघ से जुड़ी हुई है और इसकी स्थापना और इसके बाद वाले काम जो भी वर्तमान में इसका संचालन कर रहे हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसलिए दूसरे राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता इस संस्थान में आना अवॉइड करते हैं। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी की कल्पना पर अगर ये संस्थान बना है तो स्वाभाविक ही है कि लोगों के मन में ये विचार आए। लेकिन जब दीनदयाल जी ने भी ये कल्पना की थी तो उनका यह विचार था और वो राजनीति से परे उठकर उन्होंने सोचा था कि अगर राजनीति के अच्छे कार्यकर्ताओं का निर्माण होगा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं होगा, पूरे लोकतंत्र को फायदा होगा, क्योंकि अच्छे लोग जिस राजनीतिक पार्टी में जाएंगे तो देश का भला करेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितनी सत्तारूढ़ पार्टी की अच्छी हो उसकी जरूरत है, उतना ही विपक्ष मजबूत और अच्छा हो उसकी भी जरूरत है। तो उसी राह पर चलते हुए हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारी राजनीतिक पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए खुले होते हैं, हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। चूंकि महाराष्ट्र में है, एनसीपी शिवसेना के कार्यकर्ता काफी बार आ चुके हैं हमारे संकुल में, उनकी ट्रेनिंग्स होती रहती है। अभी हाल ही में चंडीगढ़ और बसपा से भी लोग आए हैं। अभी हाल ही हमने चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ट्रेनिंग की जिसमें कि चंडीगढ़ के जितने कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स थे वे भी सम्मिलित हुए। हमारे जो आईडियल कोर्स है जिसमें युवाओं को प्रशिक्षित करने का 9 महीने का कोर्स चलता है, तो ये समय समय पर जयराम रमेश और इस तरह के आदि कांग्रेस के नेताओं से मिलते रहते हैं, उन्होंने भी काफी बार इसका सराहना की है और उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं चाहूंगा कि कांग्रेस के बाकी नेता भी आकर इसको देखें। तो इस तरह से हम इस संस्थान में आकर ट्रेनिंग लेने वाले या इस संस्थान के अनुभव का लाभ उठाने वाले कुछ दिग्गज नेताओं के आप नाम बता पाएंगे जो अभी कहीं पद पर? जैसा कि आपने कहा कि शायद ऐसा है कि इसका लाभ भाजपा पार्टी ने ज्यादा उठाया है इसलिए आपको ऐसा लगेगा, लेकिन कुछ दिग्गजों का अगर आपने नाम लेने की कही तो आज के जो राजनीतिक पटल पर शीर्ष नेतृत्व है वो कितनी ही बार प्रबोधनी में आकर या तो खुद प्रशिक्षण ले चुके हैं या प्रशिक्षण दे चुके हैं। पिछले ही साल जनवरी में अगर मुझे सही याद है तो 14 जनवरी को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी प्रबोधनी के संकुल में आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन के शुरुआत में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं जब प्रबोधनी की अंदर आ रहा था और सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मुझे 10-12 बार जब मैं पिछली बार आया था तो उसकी याददाश्त मुझे ताजा हुई, जब मैं प्रशिक्षार्थी की तरह सामने बैठा करता था और रूम्स में, चूंकि हमारे यहाँ रूम शेयरिंग करके रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं शेयरिंग में रूम्स में किस तरह से रहा करता था वो सब मुझे भी याद आ रहा है कि मैं प्रशिक्षण लिया करता था और आज मैं मेज के इस तरफ खड़ा हूँ और मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से स्मृति जी ने भी काफी बार कहा हुआ है कि वे कितनी बार प्रबोधनी आई है और उन्हें काफी लाभ मिला है। तो इस तरह से काफी नेता है जो लगातार प्रबोधनी आते रहते हैं, या तो प्रशिक्षण लेते हैं या प्रशिक्षण देते रहते हैं। क्या ये संस्थान नेताओं के बिगड़े बोल पर लगाम लगा पाया है? जिस तरह के नेताओं के बयान आते हैं शर्मसार कर देने वाले, वो किसी भी दल के हों, उससे लगता है कि ये एक जो है क्या स्तर है नेताओं का जो जवाबदार हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तर्कहीन आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं जिनका उनके पास कोई सबूत नहीं होता। आपने बिल्कुल ठीक कहा और जब मुझे भी ऐसा लगता है और हम भी अपने प्रबोधनी में ऐसा सब पढ़ते हैं सीखते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपने काम की जो गति है उसको दुगुना कर देना चाहिए और अपने काम की स्केल दुगुना कर देना चाहिए ताकि इस स्थिति को सुधारने में हम भी अपना योगदान कर पाए।
मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में शामिल रहते हैं और कई बार लगातार उनके यहाँ छापे भी पड़े हैं, बदनामियाँ हुई हैं, जांच हो रही है, तो उस पर आखिर कब रोक लगेगी? हमारा मानना है प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है, जैसे कि हम रोज सुबह सवेरे उठकर ब्रश करते हैं, इसी तरह से प्रशिक्षण भी नियमित रूप से होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक समय में जब अटल जी के समय में पूरी की पूरी कैबिनेट 3 दिन के लिए प्रशिक्षण के लिए वहां प्रबोधनी आई थी, तो जाते वक्त कैबिनेट के एक बड़े आला मंत्री ने हमारे महासंचालक श्री डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी से कहा था कि इस तरीके की ट्रेनिंग्स आप हमें लगातार करते रहेंगे तो हम लोगों की एकाग्रता बढ़ेगी और हम लोगों का कमिटमेंट मेंटेन रहेगा। तो लोगों ने, जितने भी लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग पे आते हैं, वो हर बार ऐसा कहते हैं कि आप हमें लगातार यहाँ बुलाते रहिए ताकि हमारी कमिटमेंट टू पीपल ये बना रहे और प्लस हमें नए नए गुण सीखने को मिले, जनता के प्रति हमारा समर्पण भी तरोताजा होता रहे। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि लगातार ट्रेनिंग होती रहे, लेकिन हम अभी जितना भी काम हो पाया है उसमें हम थोड़ा बहुत योगदान कर पाए और चीजें अभी सुधरनी बाकी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के तहत जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का जो प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें आप सरकार चलाना, राजनीति करना और नेतृत्व करना सिखाते हैं, तो उस कोर्स को कितना महत्व मिल रहा है, कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं? देखिये, 2017 में ये कोर्स शुरू हुआ, तो आपने देखा होगा कि गत कुछ सालों से युवाओं में बहुत रुचि बढ़ी है, रुझान बढ़ा है राजनीति में आकर कुछ योगदान देने का। वे पब्लिक पॉलिसी, नीति, गवर्नेंस ये सब समझना चाहते हैं। तो प्रबोधनी चूंकि जमीन से जुड़कर काम करने वाली एक संस्थान है, तो इस तरह का हम बदलता हुआ स्वरूप देख रहे थे और बदलते स्वरूप के साथ साथ हम नए नए कोर्सेज और पाठ्यक्रम लाते ही रहते हैं। तो 2017 में हमने तय किया कि इस तरीके के युवाओं के लिए हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ऑफर करेंगे, और तब ये एक 9 महीने का, पहली बार हमने एक 9 महीने का पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लीडरशिप पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। और जैसा कि इसका नाम है, इसके अंदर 3-3 महीने के 3 कोर्सेज हैं, जिसमें पहला है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, नेतृत्व और प्रबंधन, दूसरा पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी जो कि राजनीति और लोकतंत्र, और तीसरा है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, शासन और लोकनीति। तो ये तीनों विषय जो कि आकर्षण, लोगों, युवाओं के लिए आकर्षण का विषय बना हुआ, तो इन तीनों पर हमने एक 9 महीने का कोर्स शुरू किया है। और इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं कि एक थ्योरेटिकल सेशंस होते हैं, इसमें थ्योरेटिकल सेशन के अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशन होते हैं, जैसे कि RTI कैसे फाइल करनी चाहिए, PIL कैसे दाखिल करते हैं, उस तरीके के। फिर फील्ड एक्सपोजर्स, फील्ड विजिट करवाई जाती है युवाओं, क्योंकि ये देश भर से लोग आते हैं। अभी 2 सालों में लगभग 15 राज्यों से 50 छात्र ये कोर्स करके जा चुके हैं। तो ये जो युवा आते हैं, उनको ट्राइबल एरियाज में ले जाना, 1-2 दिन वहीं रहना, फिर पंचायत ले जाना, पंचायत का कामकाज कैसे होता है उसको प्रत्यक्ष दिखाना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ले जाना, चुनाव में उनकी भागीदारी करना। हमारे छात्र पिछले बैच के मध्य प्रदेश के चुनाव में वो जुड़े थे, और डोर टू डोर कैंपेनिंग क्या होती है, एक जन प्रतिनिधि को अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या क्या अलग अलग काम करने पड़ते हैं, तो वो उस सब की उन्होंने भागीदारी की। और उसके बाद इस कोर्स के खत्म होने के बाद 1 महीने की एक इंटर्नशिप भी रहती है। तो छात्रों की रुचि के अनुसार अगर उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी में काम करना है या किसी राजनेता के साथ काम करना है, किसी सामाजिक संगठन में काम करना है, तो उनकी रुचि के अनुसार उनको 1 महीने की ऐसी इंटर्नशिप भी दी जाती है। तो इस तरीके के कोर्स का बहुत ही अच्छा एक प्रतिसाद हमको मिल रहा है। रवि जी, सब जब समाज में गिरावट आती है तो उससे हर वर्ग प्रभावित होता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के, वो कहा करते थे कि जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, जो बेरोजगार हो, वो राजनीति करता है या पत्रकारिता करता है। आज दोनों ही सेक्टर में गिरावट आई है। एक सेक्टर की गिरावट को रोकने के लिए तो आपने एक काम शुरू किया, एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे सवाल और सुझाव दोनों की रूप में बात करता हूँ कि क्या पत्रकारों के लिए भी, जो नए पत्रकार हैं, कैसे पत्रकारिता करना चाहिए, किन विषयों पर पत्रकारिता करना चाहिए, विषय की गंभीरता कैसी होना चाहिए, घटना स्थल जिस तरह का होता है वहाँ पर किस तरह की गंभीरता के साथ सवाल किए जाना चाहिए, और उन पत्रकारों को किस तरह का व्यवहार भी करना चाहिए, क्या इस तरह का कोई कोर्स या कोई प्लानिंग आप इस आपके रामबाबू महालगी प्रबोधनी संस्थान में करने का विचार कर सकते हैं? आपका सुझाव बहुत ही स्वागत योग्य है। हम
हालांकि अभी तो इस तरीके का पत्रकारों को केंद्र में रखते हुए ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं सोचा गया है, पर मेरा मानना है कि आप स्वयं gamasan.com जैसे एक प्लेटफॉर्म के जरिए और पत्रकारिता के जगत में जो एक रेवोल्यूशन आप भी कर रहे हैं, जिस तरह की दबंगाई से जिस तरह सवाल पूछने चाहिए, जो काम आप भी कर रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं इस राजनीतिक क्षेत्र में उसी तरह का एक प्रयास कर रहे हैं, और आपने जो सुझाव दिया उस पर भी हम जरूर सोचेंगे। धन्यवाद। आप थे रवि पोखराना जी, इन्होंने ये बताया कि राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये बात सही है कि समय लगता है, क्योंकि देश भर में हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ता राजनीति में काम करते हैं, जो कभी पुलिस को धमकाते हैं तो कभी आम जनता को धमकाते हैं, और कभी कभी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को भी आंख दिखाने में देर नहीं करते। खैर, हम उम्मीद करते हैं इनसे और इनके संस्थान से कि ये इस तरह के राजनेताओं को सुधारने का काम करते रहेंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए gamasan.com। आपका भी पूरा धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।